अपने आप को सत्ता की दावेदार मानती है। वो डेटा अभी हम सामने रख भी देंगे रवि जी, लेकिन राज कौशिक जी से भी हम जानेंगे कि उनका अनुभव क्या कहता है इस बार के वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उत्तराखंड के पूरे माहौल को और जो दावे हो रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव है इसको लेकर? देखिए, रवि जी ने जो बात बोली है, मैं उस पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए थोड़ा इससे आगे की बात और कहता हूँ। मैंने हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक का दौरा इस चुनाव के दौरान किया, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने वहां पर दस्तक दी है, आम आदमी पार्टी के वहां दस्तक है, और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि वहां आपने कुछ सीट हासिल भी की थी। तो मेरा मानना यह है कि आप वहां जितना भी बढ़ती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जितना भी बढ़ती है वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस का नुकसान उत्तराखंड में हो सकता है आपके बढ़ने से। जी ठीक है, उमाकांत जी, आप उमाकांत जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। उमाकांत जी, लेकिन दीपा, डेटा भी हमारे पास आ चुका है, प्राची, डेटा हमारे पास आ चुका है। बिल्कुल, देखिए डेटा हम रखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड का ही, 6:30 बज चुके हैं और सबसे बड़ा डेटा अब हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर उत्तराखंड का जो मिजाज है, उत्तराखंड का जो मूड है वो क्या कहता है, और किस तरीके से तमाम जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, और जो डेटा है अब देखिए हम रखने वाले हैं, और ये डेटा देखिए सामने आ चुका है, ये आंकड़ा देखिए सामने आ चुका है, वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका इंतजार किया जा रहा था। देखिए 26 से 32 सीट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, इस आंकड़े के मुताबिक आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती है, ये सबसे बड़ा अनुमान है और ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से। हम आपको ये बता रहे हैं, ये अनुमान है और अनुमान जो निकलकर सामने आया, और देखिए बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस यहां पर आगे निकल गई है, 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है कांग्रेस को, ये बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने लीड ले ली है, जो अनुमान एग्जिट पोल में हमारे निकलकर सामने आए हैं उसमें 32 से 38 सीटें कांग्रेस जो है वो हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के बाद अब हम आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी देखिए 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, 0 से 2, और देखिए अन्य की अगर बात कर ले तो 3 से 7 अन्य के खाते में भी जो सीटें हैं वो जा सकती हैं। ये हम आपको बता दें तो देखिए बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं, ये अब डेटा सामने आ चुका है। और देखिए लगातार हमारे अब जब ये डेटा सामने आ गए हैं तो सीनियर जर्नलिस्ट से भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर कांग्रेस, ठीक है लाखेड़े जी, ये रिएक्शन बता दिया और ये जानकारी दे दी, एग्जिट पोल में देखिए ये 25 से 32 सीटें ले रही है बीजेपी, ये एग्जिट पोल बता रहा है, और साथ ही 32 से 38 सीटें